मत्ती 24 का 36 वचन में लिखा हुआ है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। देखो, जागते और सावधान रहना। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर यीशु मसीह का वचन साफ और स्पष्ट रूप से बताता है उस दिन के विषय में। किस दिन के विषय में? जिस समय यीशु मसीह आएगा, जिस समय हमारा परमेश्वर आएगा, उस दिन के विषय में, उस सन के विषय में किसी को भी नहीं पता है कि यीशु मसीह कब आएगा, यीशु मसीह कब आएगा। मेरे प्रियजन, बाइबल बताते हैं ना तुम उस दिन को जानते हो, ना तो उस घड़ी को जानते हो, इसलिए जागते और सावधान रहना। मेरे प्रियजन, बाइबल साफ बताती है यीशु मसीह अचानक आएगा, अचानक। बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह अभी नहीं आएगा, अभी 2 साल नहीं आएगा, 3-4 साल नहीं आएगा। तो यीशु मसीह ने कहा, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी में आ जाऊंगा, उसी घड़ी यीशु मसीह आ जाएगा। इस कब तक पाप करते रहोगे? आज बहुत सारे लोग सेक्स वीडियो देखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते घूमते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, 12-12 बजे उठ कर लड़कियों के पास फोन करते हैं, खाना खाया कि नहीं खाया, जानू कैसी हो, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, जागते रहते हैं और ना तो खाना खाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं, लड़कियों को मनाने में लगे हुए हैं, अपना कीमती वक्त, परमेश्वर का जो वक्त होता है उसको छीन कर एक लड़की को देते हैं। इसलिए समय में बोल रहा हूँ, अभी वक्त है, अभी बचा लो, वरना सारी गर्मी उस नरक की आग में निकल जाएगी। याद करना, आमोस सिंह एक बात कहते हैं, बहुत महंगा पड़ेगा शादी से पहले सेक्स करना। जरा सोच के देखो, अरे आप शादी से पहले सेक्स कर रहे हैं, सेक्स बना रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर आपका न्याय करने के लिए स्वर्ग में बैठा है। याद रखना, आप सोचते हो मैं पाप भी करूंगा, पर मैं पाप करके स्वर्ग भी चला जाऊंगा, तो आप गलत हो, क्योंकि जहाँ पर यीशु मसीह रहता है वह जगह पवित्र है। अपने आप को पवित्र करो भाई। आप सोचते हो मैं पाप भी करूंगा, मैं स्वर्ग भी चला जाऊंगा, तो आप गलत हो, नो, आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि यीशु मसीह जहाँ पर रहते हैं वह जगह पवित्र है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। तुमने जो पाप किए हैं, व्यभिचार किए हैं, यीशु ने देखा है, अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मानो, अंगीकार करो, पश्चाताप करो और छोड़ दो, कि यीशु मसीह से बोल दो कि प्रभु मुझसे हो गई गलती, मुझसे हो गया पाप, आगे को नहीं होगा, परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ कर देगा, हमें ज्यादा पाप नहीं करना है। याद रखना, जिस रीति से आपने फोन पर गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन देखते हो, अपने मोबाइल में सेक्स वीडियो देखते हो छुपकर, तो याद रखना, आप सोचते हो कि कोई इंसान नहीं देख रहा है, कोई मनुष्य नहीं देख रहा है, तो आप इंसानों से मनुष्यों से छिपकर आप कर सकते हो, मगर याद रखना, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दृष्टि से छिपकर आप पाप नहीं कर सकते हो। सीसीटीवी कैमरा फेल हो जाएगा, मगर परमेश्वर की आंखें कभी फेल नहीं होंगी, परमेश्वर की आंखें निरंतर आपको देखती होती, आप क्या कर रहे हो, कौन सा पाप कर रहे हो, परमेश्वर देखता है, आपका न्याय करेगा, और न्याय करके वही शरीर पहना के परमेश्वर आपको नर्क की आग में डाल देगा, आग में डाल देगा। बाइबल बताती है, धन्य वह है, धन्य तो वह दास है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता रहता है कि नंगा ना फिरे और उसका लोग नंगापन ना देखे। इसलिए मैं जागते रहना है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं अचानक आऊंगा, मगर आज हमारे मसीह भाई बहन जाग पा रहे हैं। वे तो सामने वाली लड़की को पटाने में लगे हुए हैं, वे तो गेट के सामने वाली लड़की को पटाने में लगे हुए हैं, सेक्स वीडियो देखने में लगे हुए हैं। आज बहुत से लोग शादी हो जाती है फिर भी सेक्स वीडियो देखते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना छोड़ दो। मैं हर वीडियो में यही बताते आ रहा हूँ, चिल्ला के मैं हर वीडियो में यही बताते आ रहा हूँ, योहन्ना की तरह प्रचार कर रहा हूँ, मन फिरा लो, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, यदि आप अपने पापों से मन नहीं फिराओगे तो परमेश्वर आपको टाइम देता है, अगर आप नहीं सुधरे तो परमेश्वर आपका न्याय करके उस नरक की झील में फेंक देगा, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं। बाइबल साफ साफ कहती है, आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जरा सोच के देखो, जब आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे, तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति नर्क में जाएगा। बचा लो, सुधर जाओ।
अभी समय है लौट आओ भाई, क्यों अपने प्राण को नाश करना चाहते हो भाई, वहाँ एक या दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए युगानुयुग के लिए डाल दिया जाएगा और ऊपर से नरक का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल के लिए। याद रखना, जब धर्मी स्वर्ग में अनंत जीवन बिताते होंगे तब दुष्ट लोग नर्क की झील में पीड़ाओं में तड़पते होंगे, चीखते होंगे, चिल्लाते होंगे। याद रखना, मरने के बाद आपकी आत्मा धनवान की साइड या तो अब्राहम की साइड चली जाएगी, दो स्थानों पे देखते देखते बड़े आराम से चली जाएगी। इसे अपने उद्धार के बारे में सोचिए भाई, हमारा उद्धार होना बहुत ही जरूरी है। हम बिना उद्धार के मर गए तो हमें सीधा सीधा नर्क में जाना पड़ेगा। मैं 100% खुल के कहता हूँ। इधर समय है, मन फिराओ और लौट आओ, परमेश्वर आपके गुनाह को क्षमा करेगा। अभी समय है भाई, अभी टाइम है, अभी वक्त, अभी आप जिंदा हो, अपने जीते जितने पापों से तोबा कर लो, मन फिरा लो और बोल दो परमेश्वर के सामने घुटने टेक के, प्रभु मुझसे हो गई गलती, मुझे माफ कर दे, आगे को गलती नहीं होगी, आगे को भी विचार, आगे को अपराध नहीं होगा, एक खरा जीवन जिए यीशु मसीह के लिए। अरे उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, मार खाई है, बेइज्जती है, अरे दो कोड़े खा के देखो, आंखें खुल जाएंगी और कान खुल जाएंगे। नाटकबाजी बंद करें और सीधा लाइन पे आ जाइए। जूते परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक बहुत भयानक बात है। आशा करता हूँ छोटा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर करने में के बाद आप सभी को जय मसीह की, गुड लक, आमीन।